हाउ आर यू ऑल, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन देखेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन, फ्लोरोसिन हार्मोन और ट्रॉमेटिन हार्मोन। अपन पढ़ रहे थे पादप हार्मोन, उसके अपन ने टू पार्ट्स किए थे, एक तो पादप वृद्धि करवाने वाले हार्मोन और एक पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन, जिसमें से अपन ने पादप वृद्धि को करवाने वाले हार्मोन ग्रोथ प्रोमोटर्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑक्सिन हार्मोन, सेकंड जिब्रेलिन हार्मोन और थर्ड है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन, फोर्थ है फ्लोरोसिन हार्मोन, फिफ्थ है आपका ट्रॉमेटिन हार्मोन। तो फ्रेंड्स, अपन ने ऑक्सिन हार्मोन को एक क्लास में अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद में जिब्रेलिन हार्मोन को भी अपन ने अच्छे से पढ़ा और आज की क्लास में अपन देखेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन, फ्लोरोसिन हार्मोन और ट्रॉमेटिन हार्मोन। तो करते हैं शुरुआत। साइटोकाइनिन हार्मोन, हिंदी में अपन इसे साइटोकाइनिन हार्मोन ही बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इसकी खोज स्कोग व मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। देखो, ये दो वैज्ञानिक है अलग अलग, स्कोग एक वैज्ञानिक, दूसरा मिलर, तो इन दोनों ने साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज की। फर्स्ट पॉइंट के पता चला अपन को कि स्कोग व मिलर नामक वैज्ञानिक ने साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज की। फिर सेकेंड पॉइंट है, यह साइटोकाइनिन हार्मोन पेड़ पौधों में तीव्र कोशिका विभाजन, पार्श्व टहनियों में वृद्धि, पार्श्व टहनियों व कलिकाओं में वृद्धि। देखो, टहनिया होती है जो पेड़ पौधे, मान ली सपोज दैट ये आपका स्टेम है, ये आपका तना हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ से कुछ टहनिया निकलेगी, टहनिया इन टहनियों में वृद्धि करवाने का कार्य यही करता है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, देखो अपन ने पढ़ा था कि जो आपका शीर्षस्थ प्रारोह है वह शीर्षस्थ जड़ होती है, आपकी जड़ें होती है, यानी कि जड़ों का शीर्ष वाला भाग को अपन शीर्षस्थ जड़ बोल देंगे। ठीक है, और जो आपका स्टेम का ऊपर ऊपर वाला भाग है उसे शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्षस्थ प्रारोह है वह शीर्षस्थ जड़ में अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि करवाता है, एक तो इस पार्ट में और एक इस पार्ट में आपका ऑक्सिन हार्मोन वृद्धि करवाता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि तने की मोटाई, यानी तने की मोटाई होती है उसमें वृद्धि करवाने का कार्य आपका जिब्रेलिन हार्मोन करता है। जिब्रेलिन हार्मोन तो तने की मोटाई में वृद्धि करवाता है और ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, शीर्षस्थ जड़ यानी कि एपिकल रूट और शीर्षस्थ प्रारोह है और शीर्षस्थ जड़, इन दोनों में जो वृद्धि करवाने का कार्य है वो आपका ऑक्सिन हार्मोन का है। फिर उसके बाद में जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य क्या है, तने की मोटाई में वृद्धि करवाना, और तीसरा हार्मोन है आपका कि साइटोकाइनिन हार्मोन। फर्स्ट पॉइंट देखा है इसके बारे में, इसकी खोज स्कोग व मिलर नामक वैज्ञानिक ने की। फिर दूसरा है, यह हार्मोन पेड़ पौधों में तीव्र कोशिका विभाजन, पार्श्व टहनियों कलिकाओं में वृद्धि, ये जो आपकी टहनिया है ये कलिकाएं हैं, इनमें जो वृद्धि करवाने का कार्य करता है वो आपका साइटोकाइनिन हार्मोन करता है। तो एग्जाम में पूछे तो लिख दीजिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्लोरोसिन हार्मोन पर। देखो, नाम से समझ में आ रहा है फ्लोरोसिन, देखो फ्लोवर, फ्लोवर का मतलब जानते होंगे आप, फ्लोवर का मतलब होता है पुष्प, क्या होता है पुष्प, फ्लोवर का मतलब होता है पुष्प यानी फूल। तो फ्लोरोसिन हार्मोन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस हार्मोन की खोज जूलियस वोन नामक वैज्ञानिक ने सन 1865 में 1865 में खोज की थी। जूलियस वोन नामक वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जूलियस वोन, उन्होंने 1865 में फ्लोरोसिन हार्मोन की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट कि ये हार्मोन, अपन को ये तो पता चल गया कि इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, लेकिन अब ये भी तो पता चले कि ये हार्मोन पेड़ पौधों में कार्य क्या करता है। तो ये हार्मोन फूलों को खिलाने में, जो फूल आपका जो फूल होता है वो खिलता है, तो उसको खिलाने में आपका फ्लोरोसिन हार्मोन मदद करता है, इतना सही कार्य इसका। फिर नेक्स्ट है ट्रॉमेटिन हार्मोन। अब ये हार्मोन देखो, इसकी खोज फ्रेडरिक बोनर तथा एरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस हार्मोन की खोज फ्रेडरिक बोनर तथा एरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड सेल्स, यानी जो आपकी खराब कोशिकाएं होती है, जो पेड़, मान लीजिए अपन ने किसी पेड़ को यहां से काट दिया, तो
यहाँ की कोशिकाएं खराब हो गई, तो इन खराब कोशिकाओं को ये मरम्मत करता है, एक तरह से सही करने का कार्य करता है, मरम्मत करने का कार्य करता है, जिससे ये हिस्सा है वापिस सही हो जाए। ये अगर इस हिस्से को अपन ने यहाँ से काट दिया तो ये आपका ट्रॉमेटिन हार्मोन निकलेगा और इस हिस्से को सही करने का कार्य करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया है होगा। फर्स्ट हार्मोन था अपना साइटोकाइनिन हार्मोन, इसको वो मिलर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। तीव्र कोशिका विभाजन पार्श्व टहनियों कलिकाओं में वृद्धि करवाने का कार्य करता है। नेक्स्ट अपना फ्लोरिजन हार्मोन, जूलियस वॉन नामक वैज्ञानिक ने सन 1865 में फ्लोरिजन हार्मोन की खोज की। जूलियस वॉन नामक वैज्ञानिक ने सन 1865 में फ्लोरिजन हार्मोन की खोज की। सेकेंड पॉइंट है इसके बारे में कि फूलों को खिलाने में सहायता करता है, जो आपका फ्लोरोजन हार्मोन होता है ये फूलों को खिलाने में सहायता करता है। लास्ट हार्मोन है ट्रॉमेटिन हार्मोन, इसकी खोज फ्रेडरिक बोनर तथा एरी नामक वैज्ञानिक ने की। ये पेड़ पौधों के कटे हिस्से को सही करने का कार्य करता है या फिर उसकी मरम्मत करने का कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन ने जो ग्रोथ प्रमोटर पादप वृद्धि करवाने वाले हार्मोन है उनको अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब कल की क्लास में अपन देखेंगे पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन, जो पादप की वृद्धि को रोकते हैं, वो हार्मोन अपन ने दो पढ़े थे। एक हार्मोन तो था आपका ABA, ये है आपका एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल, और दूसरा हार्मोन था आपका इथाइलिन हार्मोन। ये दोनों ही क्या करते हैं, पादप वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन होते हैं। तो इनको अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में अगर आपने जिब्रिलिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन नहीं पढ़े हैं तो वो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पादप वृद्धि अवरोधक हार्मोन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।